सो हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी सीरीज कॉल्ड बैक टू बेसिक्स, वेयर आई विल बी शेयरिंग लिटरली ईच एंड एवरीथिंग अबाउट स्किन केयर फ्रॉम स्क्रैच। सो आज है उसका फर्स्ट एपिसोड, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं स्किन केयर के एकदम 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 बेसिक के बारे में, विच इज़ CTM। सो व्हाट इज़ CTM? सो CTM इज़ क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। सो बेसिकली इट इज़ द मोस्ट बेसिक प्रोसेस ऑफ स्किन केयर, विच हैज़ 3 steps। फर्स्ट स्टेप इज़ क्लेंजिंग। क्लेंजिंग सबको पता है कि हमें अपना फेस वॉश करना चाहिए, बट ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि वो क्लेंजिंग की इम्पॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, या फिर वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं व्हेन दे एक्चुअली वॉश देयर फेस। तो क्लेंजिंग एक ऐसे स्टेप है जो आपको सुबह भी करना है, शाम में भी करना है, लेकिन आप जब क्लेंजिंग कर रहे हैं तो आपको ये भी अच्छे से चूज़ करना है कि आप एक अच्छा क्लेंजर इस्तेमाल कर रहे हों, और आप जब सुबह अपने फेस को अच्छे से क्लीन करते हैं तो आप मेक श्योर करते हैं कि आप जो भी आगे और प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे अप्लाई करने वाले हैं वो आपकी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो पाएँ। क्योंकि अगर आप फेस को अच्छे से क्लीन ही नहीं करोगे तो नो मैटर आप कितने अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगा लो, आपकी स्किन में वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे और आपको उनका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बाकी के और जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो अच्छे से काम करें, तो वो अच्छे से काम तभी करेंगे जब आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन करोगे। सो क्लीन, आप अच्छे से अगर आप अपना फेस क्लीन कर लेते हो तो आपके जो पोर्स वगैरह हैं वो क्लीन हो जाते हैं, एंड आप जो भी आगे प्रोडक्ट्स अपने अप्लाई करने वाले हो वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर क्लीनिंग योर फेस राइट, तो आपको डलनेस का इशू नहीं होगा, आपको पिम्पल एक्ने के चांसेस कम होंगे क्योंकि आपके पोर्स क्लियर आउट होंगे, एंड ऑल्सो यू विल फील वेरी रिफ्रेश्ड एंड यू feel good about yourself, and also it will going to really help you on a longer run agar aap apna face acche se clean karte ho to। Then comes the second step, which is टोनिंग। सो बहुत सारे लोगों को क्लेंजिंग के बारे में तो पता है बट उन्हें टोनिंग के बारे में नहीं पता, या फिर वो उस स्टेप को इग्नोर कर देते हैं, या फिर अगर कुछ थोड़े बहुत लोग टोनिंग करते भी हैं तो मे बी दे आर नॉट यूजिंग द करेक्ट टोनर फॉर देमसेल्व्स। तो जो टोनिंग है इट इज़ बेसिकली कि आप एक ऐसा टोनर, एक ऐसा लिक्विड अपने फेस पर लगा रहे हो जो कि आपके पीएच लेवल को बैलेंस कर दे रहा है। हमारी स्किन का एक पीएच लेवल होता है जो काफ़ी दफ़ा जब हम अपना मेकअप वगैरह हटा रहे होते हैं या फिर अपना फेस क्लीन करते हैं तो उसके बाद वो पीएच लेवल बैलेंस जो है थोड़ा बिगड़ जाता है। तो अगर आप एक अच्छा टोनर अप्लाई करते हो तो आप ये मेक श्योर करते हो कि आपका स्किन का वो पीएच लेवल बैलेंस दोबारा से बन जाए। ऑल्सो कभी कभी अगर फेस वॉश करते टाइम या करने के बाद होता क्या है कि आपके स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, तो ओपन पोर्स की दिक्कत आपको हो सकती है अगर आप क्लीनिंग करने के बाद फेस को टोनिंग नहीं कर रहे हैं। तो क्लेंजिंग आपने कर ली, उसके बाद आपको एक बहुत अच्छा टोनर इस्तेमाल करना है। क्यों? इससे एक तो आपके पोर्स क्लियर आउट हो जाएंगे, कुछ भी अगर इतने से भी चांस है ना कि आपके स्किन पे डर्ट या डस्ट रह गया है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये कि आपका पीएच लेवल बैलेंस मेंटेन हो जाएगा दोबारा से अगर वो डिस्टर्ब हो गया है किसी भी वजह से, तो टोनर आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है। ऑल्सो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी, एक अच्छा टोनर बहुत ज़रूरी है। जब भी आप टोनर खरीदें तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि वो टोनर अल्कोहल फ्री होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके बारे में हम और अपनी आगे की वीडियोस में बात करेंगे, बट फिलहाल मैं आई एम जस्ट स्टिकिंग टू माय पॉइंट हियर राइट नाउ कि हमें टोनिंग ज़रूर करनी चाहिए, हमको टोनिंग वाले स्टेप को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितने कि हम किसी भी और स्किन केयर प्रोडक्ट को देते हैं। कम सी थर्ड स्टेप विच इज़ मॉइस्चराइजिंग।
बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए। और यहाँ पर मैं सबसे पहले क्लियर आउट कर देना चाहती हूँ कि जनरली जो ऑयली स्किन वाले हैं उन्हें लगता है कि हमें तो ज़रूरत नहीं है मॉइस्चराइज़र, क्योंकि हमारी स्किन ऑलरेडी बहुत ही ऑयली है। नहीं, आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मॉइस्चराइज़र की। सो मॉइस्चराइज़र इज़ वन थिंग कि आपको इस्तेमाल करना ही है, चाहे आप किसी भी स्किन टाइप के हो, आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। पर अगेन मैं ये चीज़ बोलूँगी कि कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट आप अपनी स्किन के हिसाब से ही लीजिए। जैसे अगर आप मॉइस्चराइज़र, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ऑब्वियसली आपको एक क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मॉइस्चराइज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर रहे हो तो वो हाइड्रेटेड रहेगी। हमारी स्किन क्या है, कॉन्टिन्यूसली हमारी स्किन लॉस होता रहता है, ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस जिसे हम कहते हैं। तो इसीलिए अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा मॉइस्चराइज़र ट्वाइस इन अ डे ये मेक श्योर करता है कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी तभी वो एकदम यूथफुल, एकदम सॉफ्ट, प्लम, सफल लगेगी। अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगा रहे हो और आपकी ऑयली स्किन है तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीशन करने लगेगी। दूसरी चीज़, आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर रहे हो, रिलीजियसली मॉइस्चराइज कर रहे हो अपनी स्किन को, तो आपकी स्किन जो है ना वो हाइड्रेटेड रहेगी। इसका मतलब है कि आपको ब्लैमिशेस, एक्ने, पिंपल, डलनेस का इशू नहीं आएगा। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सफल, सॉफ्ट और बाउंसी और इलास्टिक और ग्लोई लगेगी। तो मॉइस्चराइज़र आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है। इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, दिस वाज ऑल अबाउट CDM। डू रिमेंबर दैट इट इज़ फॉर ऑल ऑफ यू आउट देयर, चाहे आप टीन एज में हो, 20s में हो, 30s में हो, 40s में हो, कोई भी उम्र में हो, आपको CDM ज़रूर करना है। किसी भी जेंडर के हो, आपको CDM ज़रूर करना है, एंड दिन में दो बार करना है। तो I hope you like this video. If you haven't subscribed to my channel, then do subscribe and also share with your friends and family. See you soon.